देव ऋषि नारद कहने लगे हैं, जवाब दिया कि तुमने तो ये कहा था कि पुष्प मंगाओ तो कृष्ण मर जाएगा, पुष्प तो मंगा गए कुछ नहीं हुआ, अब तो कन्हैया ने गोवर्धन का भी पूजन करवा दिया, अब बताओ मैं कहां जाऊं क्या करूं। तो मेरे भक्तों, आज देव ऋषि नारद कंस को समझाने लगे हैं कि तुम्हारे यहाँ जो धनुष रखा हुआ है, जो महात्मा परशुराम ने दिया था, तुम धनुष यज्ञ करो और धनुष यज्ञ में कन्हैया को अपने यहाँ धाम पर बुलवा लो, यहाँ कन्हैया आ जाएगा, तुम कन्हैया को मार देना। मेरे भक्तों, जवाब दिया कन्हैया को मार देना कैसा रहेगा। कंस कहने लगा कृष्ण हमारे यहाँ आ गया तो पकड़ करके मार देंगे। आज देव ऋषि नारद के कहने के आधार पर भोजराज कंस ने अपने यहाँ एक धनुष यज्ञ रखा और धनुष यज्ञ में भगवान कन्हैया बलराम वृंदावन के हीरो का निमंत्रण किया है। और इधर कंस ने बड़ी छल कपट से मथुरा को इस तरीका से सजाया, जगह जगह पर उसने राक्षस लगा दिए, क्योंकि कृष्ण हमारे पास आने से पहले ही ये राक्षस मार डालेंगे। ये खत जिस समय अक्रूर को दिया है और ये कहा है ले जाओ ये खत नंद बाबा तक पहुंचाओ। अक्रूर खत को लेकर के आज जब वृंदावन में पहुंच गए, वो खत जब बाबा नंद को दिया तो बाबा नंद समझ गए ये कंस हमारे कन्हैया को मारने के लिए ये षड्यंत्र रच रहा है, इसकी वजह से हमने गोकुल का त्याग किया है। तो आज इधर मेरे भक्तों, जिस समय खत को जब पढ़ा तो नंद बाबा रोने लगे